हेलो आई वेलकम ऑल यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का, कैसे इसको पहचानना है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है, जैसे ए प्लस बी और कंपाउंड बना रहा है सी। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो कि रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। जैसे ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है, जो पहले ख़त्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, एच टू प्लस में ओ टू गिव्स एच टू ओ। सबसे पहले आपको एक काम कर लेना बेटा, काम क्या करना है आपको, रिएक्शन बैलेंस कर लेना। तो ये देखो रिएक्शन हमने बैलेंस कर लिया। अब यहाँ पर आपको ये कुछ अमाउंट में दिया हुआ होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दे दिया आपको 10 ग्राम, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये दे दिया आपको 64 ग्राम, और आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये कितना बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 10th क्लास तक सही होती है, लेकिन 11th में आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, क्या इन दोनों में से कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। तो सवाल उठता है कि सर पहचाने कैसे? आपने डेफिनेशन बता दिया कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच गेट्स कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएक्शन में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अगर ए ख़त्म होगी तो ए लिमिटिंग रिएजेंट है, बी ख़त्म हो गया तो बी लिमिटिंग रिएजेंट है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते चीज़ों को। सबसे पहले आपको एक चीज़ निकाल लेना है, स्टोक्योमेट्रिक रेशियो। अब ये क्या होता है? ये होता है मोल्स अपॉन में स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशेंट। तो इस फार्मूले को ज़रा ध्यान रखिएगा, SR इक्वल्स टू में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशेंट। देखो स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशेंट होता है ये जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के आगे में जो नंबर्स लिखे रहते हैं ना, इसको स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशेंट कहते हैं। और मोल्स, मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन में मोलर मास का हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो आपको एक बार निकाल लेना है, जिसका कम हुआ, स्टोक्योमेट्रिक रेशियो जिसका कम होता है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो देखते हैं कैसे इन दोनों के स्टोक्योमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। देखिए इस तरीके से आप लाइन डाल लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा, सो दैट कि कैलकुलेशन अलग अलग हो पाए। ये देखिए यहाँ पर अगर हम मोल्स निकालें तो 10 ग्राम अमाउंट दे रखा है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास होता है 2। तो यहाँ से हमारे पास जो मोल्स निकल के आ गए वो निकल के आ गए 5। अब मुझे क्या निकालना है? स्टोक्योमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशेंट। तो 5 आ गए नंबर ऑफ मोल और यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशेंट है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू आ गई 2.5। वैल्यू कितनी आ गई? 2.5। इसको ध्यान में रखिएगा, वैल्यू आई 2.5। अब यहाँ पे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, 64 अपॉन में ये O2 का जो मास होता है, मोलर मास, वो होता है 32, राइट? तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक रेशियो अब निकाल लेंगे मोल्स अपॉन में कॉफिशेंट। तो कॉफिशेंट है 1, 2 अपॉन में 1, स्टोक्योमेट्रिक रेशियो निकल के आ गया बेटा यहाँ पे 2। तो आप देख पा रहे हैं कि स्टोक्योमेट्रिक रेशियो यहाँ पे 2 आई है और यहाँ पे 2.5। मैंने बताया कि जिसका स्टोक्योमेट्रिक रेशियो कम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज O2 मॉलिक्यूल। जैसे ही आप लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लीजिए, और लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के बाद आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है? देखिए प्रोडक्ट बताने के लिए क्या होता है, आप जब लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं तो आप स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को इक्वेट कर दीजिए स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ जो प्रोडक्ट होता है ना उसको, उससे। प्रोडक्ट हमारा क्या है? वाटर है। ध्यान से देखिए स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना आ गया? 2 है। अब प्रोडक्ट के लिए इसके मोल्स चाहिए, मोल्स हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये वाटर, और डिवाइडेड बाय में ये कॉफिशेंट कितना है? 2 है। तो 2 × 2 = 4 स्टोक्यो, ये मोल्स आ गए हमारे वाटर के। कितने मोल आ गए? 4 मोल आ गए। अब यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए मोल का, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू 4। मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, इसी के साथ आपका आंसर आ गया 72 ग्राम। यहाँ पे वाटर बनेगा 72 ग्राम वाटर बनेगा। देख रहे हो यहाँ पे कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता है एक्चुअली में, जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे 10 और 64 है। तो यहाँ पे कहीं आपको यूँ ना लगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के ये 74 इसका आंसर दे दे, नो, आप देख रहे हो कि आंसर जो है 72 आए, विच इज़ नॉट एक्चुअली में। यहाँ पर जो दूसरा वाला रिएजेंट था, एक तो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा एक्सेस रिएजेंट होगा। एक्सेस रिएजेंट कितना था? 10 ग्राम,
ठीक है, ये 2 ग्राम लास्ट में बचा हुआ रह जाएगा क्योंकि 72 ग्राम ही प्रोडक्ट बना है, राइट। तो इस तरीके से ये आप एक छोटा सा मेरी तरफ से लिमिटिंग रिएजेंट का तोहफा आपको कि ट्रिक से कैसे आप पता कर सकते। थैंक यू।